माप कर लो उसका डेप्थ माप कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने वाला हूं, जैसे कि ये वाला काउंटर देख रहे हैं, ये किचन का काउंटर। तो इसमें अभी हम लोग जो मार्बल है, ये मिरर मार्बल इसको हम लोग बोल सकते हैं या फिर इसको आर्टिफिशियल मार्बल आप बोल सकते हैं, ये प्योर व्हाइट है। तो इस वीडियो में मैं आपको लगाते हुए दिखाऊंगा कि कैसे आप ये मार्बल को लगा सकते हैं। तो काउंटर टॉप है ये, किचन का काउंटर टॉप कैसे लगा सकते हैं इसमें पत्थर या फिर आप ग्रेनाइट कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसमें कि कैसे आप किचन के काउंटर टॉप में स्टोन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है, ये आपका जो साइज का पत्थर नहीं आता है तो उसको सबसे पहले साइज करना पड़ता है मेजरमेंट के हिसाब से, हाफ इंची एक इंची ऐसे करके इसका कटिंग किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको साइज करने के लिए हम लोग स्टोन कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इसका डेप्थ अभी हम लोगों ने यहाँ से इसको जो किया है 25 इंच का किया हुआ है। और ये मटेरियल अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम लोग का आर्टिफिशियल मार्बल है। ये हम लोग इसको मिरर वाइट मार्बल बोलते हैं। आप इसको देखते हैं, आप रिफ्लेक्शन इसका देखिए, ये विंडो खुला हुआ है और इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है और ये प्योर वाइट है, आप इसको देख सकते हैं इसमें। और ये जो थिकनेस है ये 18 mm का थिकनेस है ये। और इसमें भी हम लोग टॉप में इसको जो वुड का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर में डायरेक्ट इसको हम लोग एरालाइट से अभी फिक्स करेंगे। आप इसको आराम से अपना मेजरमेंट वगैरह करके कटिंग करके आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, जब आप किचन का देख रहे हैं तो ये मेरा किचन, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था वीडियो में कि ये हमारा ग्रे एंड वाइट में है, तो इसलिए हम लोग टॉप भी यहाँ पे पूरा प्योर वाइट दे रहे हैं, जो कि आप इसको आर्टिफिशियल मार्बल बोल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और इस कॉर्नर में एक ज्वाइंट, यहाँ पे एक ज्वाइंट आ रहा है हम लोग का, ये एक ज्वाइंट आ रहा है और एक ज्वाइंट वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये जो स्लैब है ये मेरा 10.5 फीट का था, लेकिन यहाँ से वहाँ का जगह मेरा 12 फीट का प्लस है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे एक ज्वाइंट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंक बैठेगा, इस जगह में मेरा सिंक बैठेगा तो, और यहाँ पे मेरा हॉप्स बैठेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग ज्वाइंट वहाँ पे उस कॉर्नर में एक दे रहे हैं और इस कॉर्नर में एक ज्वाइंट यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं लगाते हुए, लगाना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बस एरालाइट से आपको अच्छे से लेवल देख के एरालाइट से लगा के आपको फिक्स कर देना है। बाकी इसके बाद इसमें हम लोग का ये 2.5 इंच का स्कार्टिंग लगेगा। यहाँ पे स्कार्टिंग हम लोग का कटिंग करके रखा हुआ है, ये 2.5 इंच का स्कार्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको लगने के बाद हम लोग का स्कार्टिंग पूरा साइड में लग जाएगा, फिर उसके बाद ये पूरा हम लोग का यहाँ पे टाइल्स लग जाएगा। तो ये मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, ओके, लगाते हुए मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप इसमें ये पेस्ट करना है इसको। जैसे कि आपको पता ही होता है कि हमारा बॉन्डटाइट या फिर एरालाइट, इसमें दो केमिकल होता है, दो एडिसिव होता है, जो कि दोनों को मिक्स करके प्रॉपर तरीके से मिक्स करके इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ट्यूब को हम लोग दोनों को रेशियो में लेके इसको मिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने ये साइड का भी हम लोग का बेड इसको फिक्स कर दिए हैं और अभी ये वाला हम लोग एरालाइट यहाँ पे इसको मिक्स करके फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे बैठेगा। बस ये जो आप एरालाइट देते हैं इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि देना चाहिए, सबसे पहले साइड टू साइड और मिडिल में, और ये जो ज्वाइंट आएगा यहाँ पे, ये जो मार्बल का जो एज है मतलब साइड है, उसमें भी आपको देना है ताकि दोनों का जो ज्वाइंट है अच्छे से मिले और गैप ना रहे अंदर में और पानी जाने का संभावना ना रहे। तो इसको हम लोग फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको आराम से बैठाने के बाद इसको सिर्फ आपको आराम से देख लेना है, लेवल टू लेवल चेक कर लेना है। उसके बाद उसको आपको अच्छे से पीट के, अच्छे से सॉफ्ट हाथों से ठोक के इसको आपको बस बिठाना है। माप कर लो उसका डेप्थ, माप कर लो पल्ला से, माप कर लो यहाँ पे आपका ये जो जगह है हॉप्स का कटिंग हुआ है, यहाँ पे ये एरिया में पूरा हॉप्स का कटिंग है, ये पूरा यहाँ तक इसको देख सकते हैं आप, ये पूरा मोल्ड किया हुआ है, हाफ मोल्ड किया हुआ है ना, ये नीचे से स्क्वायर रहता है और सामने से ये मोल्ड, हाफ मोल्ड इसको बोलते हैं। और ये वाला आपका स्कार्टिंग 2.5 इंच का स्कार्टिंग लगा हुआ है,
ये हॉप का कटिंग हो गया और यहाँ पे हम लोग का बेसिन होगा, तो बेसिन के लिए यहाँ पे सिंक के लिए कटिंग हुआ है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हम लोग का काउंटर वाइट ऐसा लग रहा है।